आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के चलते चौथा चरण आज शुरू हो चुका है, जिसके चलते आज सभी मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। इस वक्त हम लोग मतदान के रिव्यू लेने के लिए निकले हैं कि वहाँ पे किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग अपना मतदान कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं और क्या परेशानियाँ हो रही हैं। हम यहाँ पर देखने के लिए निकले हैं प्राइम टीवी की टीम। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से जानेंगे कि क्या समस्या उनको देखने के लिए मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान है जी। जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब ये जो आए हर एक बार में यही होता है, कभी हमारा मकान नंबर गलत है, कभी वोटर गलत हैं, तो मैं कहता हूँ दो दो तीन तीन चार चार बार इंक्वायरी होती है, सबको लिखा जाता है जी। मैं कहता हूँ ये करने से क्या है, हम लोग तो, मैं 77 साल का हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ वोट करने के लिए। आप बॉम्बे से आए हैं वोट देने के लिए स्पेशली? जी। तो उसके बाद क्या है ना, देखिए आप, यानी कि इतना अगर आदमी अपना परम कर्तव्य समझता है तो वो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, जो कर्मचारी उनको समझना चाहिए जी। तो आप मतदान नहीं कर पाए हैं? मतदान मैंने करा दिया, लड़के थे अपने, वो निकला कर रिजल्ट दौड़ दौड़ करके मैंने करा दिया जी। तो मतलब ये देखिए ना, आप हमारे साथ जो है, इनकी भी यही घटना है जैसे मेरे साथ हुई है जी। तो मैं कहता हूँ, मतलब जो भी हो, हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल वोट दे। उसके बाद जाने आदमी अगर आता है वापस चला जाता है, बड़ा दुख लगता है, यही मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो लोग क्या बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम दीपा मित्तल है जी। आप अपना वोट दे चुके हैं? नहीं, मैं अपना वोट नहीं दे चुकी हूँ। मेरे पास वोटर आईडी भी है, आधार कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ होने के बावजूद, और मैं 25 ईयर से वोट डाल रही हूँ, बट इस साल जो मेरा नाम नहीं आया है। इवन मैंने SDM वगैरह, लास्ट में जब SDM से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लास्ट में मैं वापस घर जा रही हूँ। मतलब आप सोचिए कितनी गलत बात है, हम सुबह से इतने एक्साइटेड हैं कि नहीं SDM राउंड लगाएंगे, आप बूथ पे रहिए, मैं सुबह से खड़ी हुई हूँ, लास्ट ईयर मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे पास कोई होप नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 25 ईयर्स डालने के बावजूद भी इस बार मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर। तो आप अभी सुबह से, आपने कई बार ट्राई भी किया, तो आपकी इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? मैंने, जो लोग ड्यूटी पर भी हैं वे लोग मज़े से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, वो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर हम ड्यूटी पर हैं तो हमें अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करना चाहिए। हम लोग खड़े, हम लोगों को देख रहे हैं कि हाँ वो इतनी पेनफुल आ रहे हैं, तो हम लोग ह्यूमन बींग होने के नाते उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो लोग बस लड़ाई है तो चेयर की, वो पुलिस वाले, मतलब मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगी, बट हर किसी को बैठने के लिए एक चेयर चाहिए कि बस वो चेयर पर बैठ जाए, अदरवाइज वो जो हेल्प के नाम पर ज़ीरो हैं। और जब उन लोगों से कहा कि इतनी देर की, भाई ठीक है उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, उस रूम में चले जाइए, उस रूम में चले जाइए, वहाँ जो ड्यूटी पर बंदे उन लोगों को ही नहीं मालूम कि कौन कहाँ है जी। सभी लोगों को ढूंढ लिया, मगर हमें लास्ट में जब SDM का नंबर बहुत ढूंढने के बावजूद मिला, उनको कॉल किया, उसके बाद समझ में आ गया कि अब कुछ हो नहीं सकता जी। तो वहाँ से भी आपका जो शिकायत थी, उस उधर से भी कोई आपको मदद नहीं मिली? मुझे कोई मदद नहीं मिली, और मुझे वाकई दुख है, या तो मेरा नाम ही ना आता तो बात भी है, 25 ईयर्स क्यों, बल्कि 26 ईयर्स से हम डाले हैं, हमारा अपना घर है, सारी हमारे पास जितनी भी हमारी पेपर्स होने चाहिए वो सब है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल में 7 साल पढ़ा चुकी हैं और कोई सक्सेस नहीं मिला। अच्छा, ये साथ में है आपके हस्बैंड है? अच्छा, आपने वोट दिया है? हमने दिया। आप वोट दे चुके हैं? तो मतलब ये है कि आप वही है कि आपके, आप लोग दे चुके हैं लेकिन आपकी वाइफ ने नहीं दिया, ऐसा ऐसे चक्कर में लगे हुए हैं कि वाइफ को वोटर आईडी लिए घूम रहे हैं लेकिन नाम इनका गायब है, जबकि 26 साल से हम लोग लगातार वोट डाल रहे हैं जी। ये पोजीशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिक्कतें देखने के लिए मिल रही है, लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, एक ही परिवार के कई लोग होने के बावजूद भी उनको वोट नहीं दे पाने का मौका मिल पा रहा है, क्योंकि उनका नाम नहीं है, जबकि वो 25-26 सालों से वोट देती आई हुई हैं और उसके बाद भी वो वोट नहीं दे पा रही हैं। हम कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगे, और उनसे भी जानेंगे मतलब उनका क्या क्या प्रतिक्रिया है उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार श्रीवास्तव जी। आलोक जी, आलोक कुमार श्रीवास्तव, 62 साल की हमारी उम्र है जी, और वोट हम दे आए जी, लेकिन किसी को ये होश नहीं, जब हम यहाँ आ गए तब हमने कहा अरे निशान तो लगाया नहीं, तब वापस गए उनके पास जी, तो उन्होंने ये निशान जी, सब निशान लगाया। देखिए कितने अफसोस की बात है जी, कि लोग नौकरी करते हुए, हमने भी
40 साल रेलवे में नौकरी जी। और ये हालात हैं कि वोट आप दे रहे हैं, सिर्फ आप दे रहे हैं, और ये आपको होश नहीं है कि इस पे निशान भी लगाना उचित है। और हम यहाँ आ गए तो हमने देखा निशान तो है ही नहीं, अभी हमारी मैसेज भी आएंगे। तो अभी यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जो इलेक्शन को लेकर जो एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो 2 दिन की 3 दिन की इतनी लंबी ट्रेनिंग चलती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक लापरवाही भी देखने के लिए मिल रही है कि लोग ने वोट दिया, वोट देने के बाद जो निशान लगाया जाता है वो निशान नहीं लगाया गया, और उसमें मतदाता खुद जाके बता रहा है कि आपने निशान नहीं लगाया है और इस तरीके से निशान आपको लगाना चाहिए, तो वो वापस पलट के जा रहे हैं और अपना निशान इस पर लगवा रहे हैं कि हमने वोट दिया है। फिलहाल यहाँ कुछ और भीड़ हमारी देखने के लिए मिल रही है, उन भीड़ में हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा। प्रतिमा जी, कितने समय से वोट दे रही हैं? बहुत ज्यादा समय हो गया, अब एक्चुअली तो जैसा कुछ जोड़े नहीं है। अच्छा, आपने वोट दे दिया? अभी नहीं देने जा रहे। तो आपकी पर्ची आई है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? भावना। भावना जी, आप कितने समय से वोट दे रही हैं? 10 साल से। वोट अभी दे चुकी हैं आप? अभी नहीं, नहीं दी है। तो बाकी सारी चीज़ें आपकी पर्ची वगैरह सही है? तो इनकी तो फिलहाल पर्ची वगैरह सब सही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी भी मौजूद है जो सुबह से भाई इस काम को कर रहे हैं। इनका क्या कहना है भाई? आपका नाम क्या है? शुभ नाम। जितेंद्र कुमार राजपूत। जितेंद्र जी, आप सुबह कितने बजे से ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ 6 बजे से। 6 बजे से ड्यूटी कर रहे हैं। आपका काम यहाँ पे क्या दिया गया है? हम BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? मतलब BLO हैं आप? किस हम मतदाता सूची से जो लोगों की पर्चियाँ नहीं मिल रही उनको दे रहे हैं। अच्छा। और जो वोट पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको सुधार रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा, और ये आप काम पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, अभी तो हम पहली बार ड्यूटी आई निर्वाचन। पहली बार ड्यूटी आई है, तो आपको इसकी ट्रेनिंग दी गई होगी? जी जी। तो ट्रेनिंग में सब कुछ बताया गया होगा? जी। तो यहाँ 6 बजे से यहाँ के जो BLO हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है, और उसमें जो ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से पूरा आपको कैप्चर करना है, किस तरीके से लोगों की समस्याएं देखने को मिल रही है। अभी हम आपको एक और जगह ले चलते हैं जहाँ पर वोटर्स को रुझाने के लिए, वोटर्स को रुझाने के लिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, ताकि लोग अपना वोट यहाँ पर दे के अपनी सेल्फी ले सकें, अपडेट कर सकें, क्योंकि सबको एक इंटरेस्ट आता है, सब बता सके कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। यहाँ पर हम लोग अभी कुछ लोग हैं जो वोट दे चुके हैं और अपना सेल्फी अभी चल रहा है। यहाँ एक मैम हमारे साथ में मौजूद है, क्या नाम है आपका? रुचिका। रुचिका, रुचिका आप अपना वोट दे चुकी हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अपना वोट दे चुकी हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए और कैसा, मतलब आपका ये वोट पहली बार था या आप पहले? मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है, तो आप यह हमेशा से यहीं देते आए हैं? पहले आ रही हूँ, हमेशा से यहीं पे दे रही हूं। यहीं पे देते आ रही हूं। अच्छा, आप इस बारे में क्या बोलेंगी, मतलब जैसे अभी एक ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, इस सेल्फी पॉइंट के बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या अच्छा है? वोट डाल के आओ, अपने सेल्फी लो, एंटरटेनमेंट हो रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लग गए तो यहाँ इंतजार सबका पूरा हो जा रहा है, इससे सेल्फी भी हो जा रही है और जिसका वेट हो रहा है, 7 वालों का वेट कर रहे हो, तो उससे टाइम पास भी हो जा रहा है। सेल्फी पॉइंट से लगता है, मतलब ये एक अच्छी पहल है या नहीं? ठीक है, अच्छा है, आजकल तो सेल्फी वैसे भी ट्रेंड में है, हर चीज में सेल्फी होती है, तो इसमें क्यों नहीं। अच्छा, रुचिका तो बड़ी खुश है सेल्फी पॉइंट बनाने से, क्योंकि वोट दे के आई हैं और उसके बाद सेल्फी ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सेल्फी का तो ट्रेंड हमेशा बना रहता है यहाँ पे। ये क्या नाम है? रुचिका जी का, सुनील यादव। रुचिका जी के हस्बैंड जी। तो अच्छा, ये सेल्फी पॉइंट वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जो अरेंजमेंट किए जाते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी पहल है, मैं कहना चाहूँगा सरकार को या जिन्होंने भी ये स्टार्ट किया, जब से भी स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छी पहल है। इससे एंटरटेनमेंट भी होता है और इंसान और जागरूक होता है वोट डालने के लिए। जी। कहीं ना कहीं सब इंकरेज होते हैं और सोशल मीडिया पे भी जिस तरह से ट्रेंडिंग हो रहा है, इस तरह से हर चीज़ें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अभी तो 40-50% के आसपास वोटिंग होती है, ये वोटिंग 100% होनी चाहिए। सबको अपना मत देने का अधिकार है और सबको देना भी चाहिए। घर से निकलें आज, इसको पेड वेकेशन की तरह ना मनाएं, सब लोग वोट डालने जरूर निकलें और अपने द्वारा चुनी गई सरकार का समर्थन करें। अच्छा, आपने अपने सेल्फी ली क्या? जी बिल्कुल, और हम सब फ्रेंड्स हैं। हम जैसे कोई फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, सेम एज इट इज मैंने इलेक्शन डे को भी एंजॉय किया है। तो मैं सभी से ये बस दरख्वास्त है कि सब लोग प्लीज वोट, प्लीज
जरूर करें अपना अपना वोट और ऐसे एंजॉय करें। और ये सेल्फी पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने बहुत सारी सेल्फियां ली हैं। अच्छा, सेल्फी सोशल मीडिया पे अपडेट करने के लिए लिया है या कहीं रिबेट भी मिल रही है इस वजह से लिया है? अपडेट करेंगे क्योंकि हमने वोट किया है तो हम बताएंगे लोगों को कि हमने किया है और सबको ये भी बता रहे हैं साथ में कि आप भी करो ऐसे या ऐसे एंजॉय करो इस डे को। अच्छा, लगता है कि अपडेट इस तरीके से करेंगे तो लोग मतदान बढ़ने के चांसेस लगते हैं आप? बिल्कुल, और क्या, लोग एक दूसरे को देख के ही फॉलो करते हैं तो शायद हमें भी फॉलो करें, इस चीज में भी फॉलो करें, बिल्कुल करें जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज है। आपने भी सेल्फी लिया क्या? बिल्कुल। अच्छा, सेल्फी लेने का रीजन मैं जान सकती हूँ कि क्या रीजन है? रीजन ये है कि वोटिंग को इनकरेज करना। वोटिंग को इनकरेज करना या जो पेट्रोल पंप पे रिबेट मिल रहा है कि अगर जो वोट दिखाएगा तो 2% रिबेट के लिए कोई वो नहीं है, रिबेट का कोई वो नहीं है, एक अपना इनकरेज है कि वोटिंग की। प्लस सभी से ये अपील करूंगा कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो 50% 60% अब रहता है वो 100% होना चाहिए और अपनी चुनी सरकार का समर्थन करें, जिसको चाहते उसको लाएं और अपना 5 साल में एक बार का मतदान का यूज़ जरूर से जरूर करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छी एक पहल चल पड़ी है कि यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिससे लोग अपना यहाँ पे वोट देते हैं, वोट देने के बाद सेल्फी खिंचवाते हैं ताकि मतलब और अपने ताकि वो अपने सोशल मीडिया पर अपडेट कर सके और मतदान को बढ़ावा मिल सके। इस वजह से सेल्फी पॉइंट को भी लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस तरीके से एक बहुत अच्छी पहल है ऐसा लगता है कि, और सेल्फी के साथ साथ अपडेट के साथ साथ वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की, वोट करने की अपील कर रहे हैं। कैंट विधानसभा से कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका क्या कहना है सीधे उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सुमन। आप यहाँ कितने समय से वोट करती आ रही हैं? हम यहाँ से मतलब मेरी शादी को 24 साल हो गए जी, तो 24 साल से आप यहाँ पे वोट कर रही वोट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आज आप यहाँ आए तो कुछ दिक्कतें देखने को मिली क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आए, अभी वोट दिया, निकल आए। अच्छा, नहीं जैसा होता है ना कि लाइन और उसको लेके थोड़ी दिक्कतें होती हैं, वैसा लगी जो मतलब एक एक करके सबका हो रहा है आराम से जी, आराम से सब जा रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, आराम से दे देते हैं। अच्छा, आप बताइए आपका क्या कहना है? हमारे वही कहना है जो हमारे मतलब कह रहे हैं। अच्छा, फिर भी आपका अपना एक एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से यहाँ पर मतलब वोटिंग चल रही है, सुविधाएं सब ठीक सही चल रही है? सुविधाएं सब सही है, सुविधा सब सही है। अच्छा, जिस तरीके से अभी मोबाइल वगैरह ले जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे कि सही है या नहीं सही है? वैसे तो मेरे हिसाब से सही है जी, सही है, मोबाइल जो है चुनाव यहाँ पे लाना नहीं चाहिए मतलब जी। तो भाई गड़बड़ी होने की आशंका होती है, क्या गड़बड़ी हो सकती है आपके हिसाब से? हो सकती है कोई भी है, अब हम पूरा खोल के नहीं बता सकते जी। अच्छा, तो भाई हाँ, हम कैंट विधानसभा में बात कर रहे थे लोगों से, जिन्होंने लोगों ने हमसे बात की और उन्होंने बोला कि यहाँ कोई दिक्कतें उन लोग को फिलहाल देखने के लिए नहीं मिली है और उन लोग का मानना भी है कि जो मोबाइल ना ले जाने के लिए कहा जाता है वो एक सही फैसला है। हमारे साथ एक और जन हमारे साथ में मौजूद है, उनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? शहाब नाम है। शहाब जी, आप ये बताइए कितने समय से आप वोट कर रहे हैं? हम तो हमेशा से पूरी जिंदगी से वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो शुरू से यही इसी विधानसभा में किया? इसी विधानसभा में हमेशा से किया, इसी विधानसभा में किया है। अच्छा, आप ये बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या है हमेशा से जो वोटिंग करते आ रहे हैं और आज भी वोटिंग की है? वोटर लिस्ट जो है गलत बनी हुई है, वोटर लिस्ट गलत बनी है? हाँ, गलत बनी है। जैसे हमारा तो मिल गया ऊपर, हमारी मिसिस का कहीं दूसरी जगह है। अच्छा, मतलब दूसरी जगह के माने कि अगल बगल नहीं है, जैसे 10 पन्ने की लिस्ट है तो 10वें पन्ने पे उनका है। अच्छा, मतलब नाम अगल बगल नहीं है, मुझे नहीं लगा कि सेंटर की बात कर रहे हैं कि सेंटर नहीं, एक साथ सेंटर नहीं है वो लिस्ट में, नाम सीरियल से नहीं है। अच्छा, सीरियल से नहीं है तो उससे जो है मिसगाइड हो रहा है जी। घर की और जो आदमी है उनकी मिसिस जो है उनका है ही नहीं, है उनका लेकिन वो समझ रहे हैं है ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी कुछ? हाँ, जो लिस्टें हैं उसमें गड़बड़ी है। जैसे आपने बोला आप काफी समय से यहाँ पे वोट करते आ रहे हैं तो ये दिक्कतें पहले भी हुई हैं या आज ही देखने को मिली? पहले भी थी दिक्कतें, पहले भी थी, हाँ थी दिक्कतें लेकिन हमारे साथ अब की दिक्कतें ये आई हैं। अच्छा, हमारे साथ पहले कभी इस टाइप की दिक्कतें नहीं आई, पूरे घर का खानदान का एक सीरीज में मिल गया, सबने डाल दिया, फिट हो गया। अब की सब वापस जा रहे हैं क्योंकि सबके आदमियों का तो है, औरतों का किसी का नहीं है। अच्छा, ऐसा चीज देखने को मिला है। तो भाई इनकी एक शिकायत है कि जो नाम जो एक परिवार का होता है, एक का नाम पहले पन्ने पर है, दूसरे का नाम 10वें पन्ने पर है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है, वो किस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, उनका क्या कहना है इसके चुनाव को लेकर। आपका नाम क्या है? फरहान नाम है।
फरहान, आप ये यहाँ पर वोट आप दे चुके हैं? जी जी, वोट। तो कितने समय से वोट देते आ रहे हैं? हम तो तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल जी जी। अच्छा ये बताइए फरहान, आप जो वोट देते हैं वो पार्टी को देख के देते हैं या कैंडिडेट को देख के देते हैं? नहीं, कैंडिडेट को देख के देते हैं। कैंडिडेट को देख के, कैंडिडेट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जी जी, हाँ जानकारी लेते हैं। जानकारी लेते हैं तो यहाँ कौन कौन से कैंडिडेट हैं आपके? हमारे के यहाँ ब्रजेश पाठक जी हैं, मंत्री जी। जी, तो वही हमारे कैंडिडेट हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और हम लोग भी हम एडवोकेट हैं, तो वो तो हमारे हम लोग से जुड़े हुए हैं। जी, कानून मंत्री रहे। जी, जी। तो उन्हीं की वजह से हम लोग आए हैं। जी, तो भाई यहाँ लोग कैंडिडेट देख के वोटिंग करते हैं, कैंडिडेट के बारे में जानकारी लेते हैं। हम अब कुछ सुरक्षा कर्मियों से भी बात कराना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ जो जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उन अधिकारियों से बात कराना चाहेंगे कि कितने समय से वो यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं, कितने समय से वो लगे हुए हैं, कब से वो यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके की ड्यूटी उनको करनी पड़ी है और उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और क्या चीज़ यहाँ पर अच्छा है। सीधे उन्हीं से ही यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, उर्मिला जी, आप यहाँ आज इसमें ड्यूटी में आपको लगा है, ये ड्यूटी आपकी पहली बार लगी है या पहले भी लगी है? नहीं, पहली बार लगी है। पहली बार लगी है, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस ड्यूटी को लेकर? अच्छा ही है। अच्छा है। तो कोई क्या मतलब समस्या देखने के, मतलब कुछ क्या लोग आई सारे प्रॉब्लम लेके आते होंगे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो कैसे आप उसको निपटाती हैं? हम लोग बताते हैं कि जैसे बीएलई के पास जाइए, उन लोगों को पर्ची में नाम नहीं है तो वहाँ से पर्ची बनवाइए और वहीं से बात करें या प्रशासन से बात करें कि आगे क्या करना है। जी, तो आपसे अगर कहा जाए ये ड्यूटी दोबारा आपको मिले तो आप करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। तो मज़ा आ रहा है जी भाई, इनको तो बहुत मज़ा आ रहा है ये ड्यूटी करने में। हाँ, एक मैडम और भी, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आप क्या नाम है आपका? संगीता वर्मा। संगीता जी, आप यहाँ पे भी, आप यहाँ पे क्या काम आपको दिया गया है? यहाँ पे लोगों को हाथ सैनिटाइज करवाना है और उनका स्कैनिंग करना है। अच्छा। किसी को फीवर वगैरह तो नहीं, अगर किसी को ज़्यादा है, 98.9 हो गया, ज़्यादा हो गया तो उनको बाहर रखना है या उनको मेडिसिन देनी है। जी, ये सारी तो मतलब ये है कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह कुछ ऐसे देखने को मिलती है तो वो आप टैकल करती है। तो ये पहली बार कर रही हैं या पहले भी किया? पहली बार कर रही हैं। तो आपको भी मज़ा आ रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे एक देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था भी की गई है कि मान लीजिए अगर किसी को कोई अचानक से कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उसको भी वो यहाँ पे सुलझा सके। अगर किसी को फीवर है या किसी को उल्टी या चक्कर जैसा कुछ फील होता है तो उसके लिए एक डॉक्टर यहाँ पे मौजूद कर रखा है, डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं ताकि किसी भी परेशानी हो तो उसके चलते यहाँ पर डॉक्टर उसका सॉल्यूशन देख सके। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।